एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी नहीं पूरी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं ना अभी पता है क्या कर रही थी, मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का। अभी मैं ना यूट्यूब चला रही थी, यूट्यूब पे मैं अभिक्षा दी के व्लॉग देख रही थी। एक तो उसमें ना मुझे अभिक्षा दी ने एक डिश बनाई थी, तो जब वो डिश जो उन्होंने बनाई थी ना, तो उसे देख के मेरा भी मन कराया कि मैं भी इस डिश को एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैं उसे ट्राई करने की सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में भी इसे शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग उसे देख लो और बना लो। पता नहीं मुझसे कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, शायद अच्छी बन जाए। और गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो फिर सबसे पहले ना मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, उसके बाद में हम चलते हैं किचन में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही होगी आप लोगों को। मुझे तो फ़र्क दिख रहा है अपनी स्किन में, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है मेरी स्किन। तो इसका जो सीक्रेट है ना, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो आपको मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना है। ओके, तो चलो चलते हैं अभी अच्छी सी डिश बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चाहिए होगी ये चना दाल। ये चना दाल मुझे नहीं पता ये कितने टाइम तक इसे भिगो के रखना था, लेकिन मैंने ये 5 से 6 घंटे भिगो कर रखी। आप लोग देख सकते हो ये अपने आप से टूटने लगी है, इतना मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ है। जो चना दाल भिगोई हुई थी वो मैंने इसमें डाल ली है ग्राइंडर में इसे पीसने के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ कि मैं ना इसमें हरी मिर्च डालने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ले ली है, वो इसी में डाल दूँगी ताकि इसके साथ में ही अच्छे से पिस जाए और हमें कोई भी बाद में मिर्ची डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लाल मिर्च हम नहीं खाते हैं। थोड़ी बहुत तो खा लेते हैं घर में, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, तो मैं तो नहीं डालूँगी बिल्कुल भी। मैं यहाँ पर इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ काट करके, और फिर हम इसको अच्छे से पीस देंगे। ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और मैं इसको पीस देती हूँ। तो ये मेरी चना दाल बिस्के रेडी हो गई है, मैं इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये जो हमारी पिसी हुई दाल है, मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, ताकि इसमें जो भी मुझे डालना होगा वो आराम से डल जाएगा और मिक्स भी अच्छे से हो जाएगा। तो अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं स्पाइसेस। तो इसमें अभी मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया पाउडर 1/2 स्पून जितना, और ये इसमें मैंने डाला है नमक। नमक के बाद में इसमें जा रहा है अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, और ये है मेरा गरम मसाला, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में हम इसमें डालेंगे हींग, क्योंकि जो ये चना दाल है वो किसी को नुकसान ना करे, इसके लिए हमने इसमें हींग डाली है। और इसे कर देना है अच्छे से मिक्स, ताकि इसमें सारे जो भी हमने मसाले डाले हैं वो मिक्स हो जाए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक बर्तन चाहिए होगा। मैंने ये भगोनी ले लिया, इसके साथ में ये चलनी है। आपको ऐसा बर्तन लेना है जिसमें आपकी कोई भी चलनी फिक्स हो जाए। तो मैंने इसे गैस पर रख दिया है और इसमें पानी भी रख दिया है, क्योंकि हमें भाप की ज़रूरत होगी। जो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं वो स्टीम की हेल्प से बनेगा, तो यहाँ पर पानी में जब तक स्टीम आती है जब तक हम अपना तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा कर रख लिया था, नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने वो यहाँ पर ले लिया है। और इसकी हमें बनानी है रोटी, नॉर्मल जो डेली रोटी बनाते हैं ना वैसी ही रोटी बनानी है। तो मैं यहाँ पर रोटी बेल रही हूँ, आई होप मेरी रोटी अच्छे से बेल जाए, क्योंकि मेरी रोटी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो देखते हैं कि मेरी रोटी कैसी बनती है। तो मैं यहाँ पर अभी रोटी बेल रही हूँ, तो जब तक रोटी बेलेगी जब तक हमारे जो हमने जो पानी रखा हुआ है भगोनी में उसमें भी भाप बनने लगेगी। तो बस अभी यही चल रहा है मेरी। ये देखो रोटी का क्या हो गया, चिपक गई। मोस्टली मैं जब भी रोटी कभी बेलती हूँ ना, तो मेरे साथ में यही हो जाता है। अब ये शायद सही हो जाए, हाँ हो गई सही। अभी थोड़ा सा और मैं इसे पतला कर लेती हूँ। तो अभी मेरी रोटी बन चुकी है, और इस पर हमको जो हमने चना दाल रेडी की थी वो इस पर लगा लेनी है। लगा क्या लेनी है, सारे पर अच्छे से फैला लेनी है।
हम इसको काफ़ी अच्छे से फैलाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, क्योंकि पतला फैला देंगे तो इस चना दाल का टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पर चने दाल को अच्छे से इस पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरी जो चना दाल है वो इसमें फिक्स हो गई है, डल चुकी है, और अब इसका हमें बना लेना है एक रोल लाइक दिस। आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमें इसका एक रोल बना लेना है, और ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। मैं अभी चेक कर रही थी कि इसमें स्टीम है वो बन रही है या नहीं बन रही है, तो अभी मैं जब तक दूसरी भी बेल लेती हूँ, क्योंकि उसमें मैं एक साथ में दो रख दूँगी। देख सकते हो गाइस मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो अभी मैं यहाँ पर अपने जो सेकंड वाला है उसे बना रही हूँ। और ये इसमें भी हम लगा देंगे दाल, दाल का जो पेस्ट है वो, और इसे अच्छे से लगाने के बाद इसका भी हम रोल बना देंगे। इस तरह से रोल आपको अच्छे से बनाना है कि कहीं आपकी जो दाल है वो फैल ना जाए। तो ये मेरे दोनों बनकर रेडी हो गए हैं, और इसमें भी स्टीम आ गई है। तो फिर अभी मैं इन दोनों को इस पर रख देती हूँ, और इसे ढक देना है ताकि जो स्टीम बन रही है वो बाहर ना निकले और वो अच्छे से पक जाए उसमें। तो जब तक ये बन रहे हैं, जब तक मैं अपने और बना लेती हूँ। तो मेरा जो तीसरा था वो भी बनकर रेडी हो गया, और ये मेरा लास्ट बचा है जिसे मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 रोल्स बनाए थे, तो ये मेरा लास्ट वाला है, और मैं अभी इन्हें देख रही हूँ कि ये हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये मेरे बन करके रेडी हो गए हैं, और मैं इन्हें निकाल लूँगी। बहुत गर्म थे, स्टीम की वजह से ना आप बहुत बार जल भी जाते हो, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रही हूँ नाइफ़ की हेल्प से, ये निकल जाए। थैंक गॉड एक तो निकल गया। तो ये मेरे चेक कर रही थी, सही से बन गया है, पक चुका है, और अभी मैं सेकंड निकाल रही हूँ जो कि नीचे से चिपक गया है। तो मैं उसे इसकी हेल्प चिमटे की हेल्प से निकाल दिया मैंने, बहुत इजीली निकल गया चिमटे की हेल्प से। और ये मैंने जो अपने दो बनाए थे बाद में वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं, और ये मेरे दो बनकर रेडी हो गए हैं। वो मैंने आपको दिखाया नहीं कितने टाइम में मैंने, वैसे इनको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, 8 से 10 मिनट ही लग रहा था बस। ये मेरे चारों बन करके रेडी हो गए। गॉड, मेरी हालत देखो, कितना पसीना आ रहा है। टू मच गर्मी, बहुत गर्मी है। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, अपने हाथों को धो करके, पसीने के हो गए हैं ना, फिर हम इनको कट करेंगे। तो किचन में तो बहुत गर्मी थी, मुझसे ये कट होने वाले नहीं थे किचन में, तो मैं इनको बाहर ले आई हूँ, और इनको अभी मैं कट कर लेती हूँ। पता नहीं ये कैसे बने होंगे, बट आई होप अच्छे बने हों। बहुत गर्मी है भाई, किचन में एंट्री करूँ तो पता चलता है कितनी गर्मी है। और ये जो बनाया है ना वो मैंने अकेले बनाया, मेरी अकेले की मेहनत। अब देखते हैं बनते कैसे हैं, और घर में तो किसी को पता भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग इस टाइम सो रहे हैं। तो ये मेरे सारे यहाँ पर कट हो चुके हैं, अभी बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो खाने के लिए उन्होंने साथ में रखी थी चटनी, तो मैं यहाँ पर पहले चटनी बना रही हूँ। इसमें टमाटर, हरी मिर्च और सारे स्पाइसेस मैंने डाल लिए हैं, मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ, और मेरी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। रेडी, और अभी मैं उनको कर लेती हूँ फ्राई। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रखी, उसमें मैंने ऑयल डाला था जो गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसमें जीरा डालकर चेक कर रही थी गर्म हो गया कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है।
क्योंकि तेल काफ़ी अच्छे से हो गया। और अभी मैं इसमें ये जो बनाया है वो डाल दूँगी। मैं ये जो कर रही हूँ क्योंकि मुझे जिसका नाम ही नहीं पता, ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि मुझे इसका नाम समझ में नहीं आया था, इस वजह से मुझे इसका नाम नहीं पता। और ये हमें भुननी है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप लोग देख सकते हो इस तरह से बन जाए। जो मैंने बनाया है उसको टेस्ट करने से पहले, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी स्किन सीक्रेट आपको बताऊंगी, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी होने की वजह से मैं भी अपना कर रही हूँ अपना फेस वॉश। तो जो मेरा सीक्रेट है वो ये है, और ये मेरा होममेड फेस वॉश है जो मैंने घर पर बनाया। इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, आप जाकर के देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। गाइस ये बहुत बहुत अच्छा फेस वॉश है, एंड आप जब इसका यूज़ करोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैं थक क्यों रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश। मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर इसी वजह से किया क्योंकि सामने ना कुछ आंटियाँ बैठी हुई थी और वो मुझे घूर रही थी कि ये फ़ोन में देखकर फेस वॉश क्यों कर रही है। तो फिर मैंने ना अभी बाद में आवाज़ इसमें डाली है, तो उसे छोड़ो। तो मैं यहाँ पर इसकी, पता है स्मेल इतनी अच्छी है, इतनी बहुत अच्छी स्मेल है इसकी इंग्रेडिएंट की वजह से। अपना फेस वॉश कर लिया गाइस, और आप लोग खुद देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फेस वॉश करने के बाद में। तो अभी मैं अपना टेस्टी जो मैंने बनाया है ना उसे ट्राई करती हूँ। चलो पर अपने यम्मी डिश खाने के लिए ले आई हूँ। मैं आपको दिखाऊँ क्या मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जो मैंने बनाया था वो रखा हुआ है यहाँ पर। टमाटो सॉस रखी हुई है, ये मेरी चटनी, और ये मेरा स्पंज, और ये मेरा पानी रखा हुआ है। मैं अपना फर्स्ट बाइट लेने वाली हूँ। मैं किसके साथ में लूँ? चटनी के साथ में। बहुत टेस्टी है गाइस, मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई जो मैं पूरी दोपहर इसमें लगी रही थी। मज़ा आ गया। आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अब मैं सेकंड ली थी अपना सॉस के साथ में। बहुत टेस्टी है। एक बात बताऊं कि ये जो मैंने डिश बना ली, इतनी मेहनत से बनाई है, अच्छी बनी है, लेकिन इस डिश का मुझे नाम ही नहीं पता। उन्होंने जब बनाई थी तो मैंने सुनने की बहुत कोशिश की थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रही हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं अभी इंजॉय करती हूँ अपना ये टेस्टी सा नाश्ता। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।